जैसे मैंने आपको बताया था व्यूअर्स, चालू वीडियो में ही हो सकता है गाय ब्याह जाए। कीमत बताइए जी भाई साहब इसकी, लास्ट प्राइस। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल दे जी। रेड सिंधी रेयर मिलती है, लाल सिंधी जो गाय है। वीडियो देखने वाले सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। और मेरा नाम दुलीप चंद है जी, मैं काम देनु डेयरी फार्म से और विलेज 5C छोटी, जिला व तहसील श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान है जी। और जो मेरा मोबाइल नंबर है 90560 92776। भाई साहब आज कितनी गाय दिखा रहे हो जी आज के इस लोट के अंदर? आज के लोट में भाई साहब 9 से 10 गाय है। 9 से 10 गाय हाँ आज के इस लोट में दिखा रहे हो? हाँ जी। ठीक है जी, सभी गायों के बारे में आपसे डिटेल लेंगे जी। कितनी गाय ब्याही हुई है जी आज के इस लोट के अंदर? आज के लोट में सर जी 3 गाय ब्याही हुई है जी। 3 गाय ब्याही हुई है? हाँ जी। जो वीडियो में देख पा रहे हैं व्यूअर्स, इन गायों में से 3 गाय अभी ऐसी है जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है और एक गाय अभी प्रेग्नेंट है, ब्याने वाली है। हो सकता है वीडियो के अंदर ही ये ब्या जाए या हो सकता है वीडियो खत्म होने के कुछ देर बाद ब्या जाए। ऐसे में आपके लिए वीडियो भी शानदार रहने वाला है। इन गायों के बारे में पूरी डिटेल दुलीचंद जी भाई साहब से लेंगे, पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखेगा। भाई साहब एक एक गाय के बारे में डिटेल दीजिए जी। सबसे पहले जो बड़ी गाय है इसके बारे में पूछेंगे, आपकी मिनिमम प्राइस रेंज क्या है जी भाई साहब गायों की? सर जी 32,000 से लेकर लेस्ट एंड फाइनल 65,000 रुपए तक है। 32,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक की प्राइस रेंज की गायें हाँ आज की इस वीडियो में आप दिखा रहे हैं। ठीक है जी भाई साहब, सभी गायों के बारे में आपसे डिटेल लेते हैं। गायें अच्छी कदकाठी की हैं और साथ ही साथ बड़े साइज की अडर वाली भी हैं। आज की इस वीडियो में सभी गायें आपको एक एक कर चलाकर भी दिखाऊंगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा व्यूअर्स, बेहद शानदार वीडियो होने वाला है। इस गाय के बारे में डिटेल दीजिए जी। सर ये जो पहले नंबर पे गाय है यह साहिवाल नस्ल की है, साहिवाल ब्रीड में है। हाँ जी। और सेकंड बार बच्चा देगी और मुंह से 6 दांत है। मुंह से 6 दांत है भी। हाँ जी। और फर्स्ट बार 6 दांत है। हाँ जी। ठीक है जी। और जो फर्स्ट बार में इसने दूध दिया है हाँ, वो 15 लीटर से प्लस दूध दिया है। 15 लीटर से अधिक दूध दिया है पहले ब्यांत के अंदर ही। हाँ जी। ठीक है। और अब की बार सेकंड बार बच्चा देगी और 17 लीटर से प्लस दूध रखेगी। हाँ हाँ। और अभी इसके 15 दिन बाकी है। 15 दिन ड्यू है अभी ब्याने में। हाँ जी। ठीक है जी, ब्याने में 15 दिन ड्यू है, प्रेग्नेंट है ये गाय जी। बिल्कुल। ठीक है जी, प्राइस क्या डिमांड कर रहे जी भाई साहब? इसका प्राइस है सर 65,000 रुपए। 65,000 65,000 रुपीज। हाँ जी। ब्रीडिंग के लिए गाय काफी परफेक्ट है। ये अगली गाय बताइए जी, ये प्रेग्नेंट है जी ये गाय जी? ठीक है, ब्याने वाली है। हाँ जी, बच्चा देने वाली है। बिल्कुल। ठीक है जी, व्यूअर्स जो गाय देख पा रहे हैं आप, ये बच्चा देने वाली है, प्रेग्नेंट है अभी, गाभिन है, कुछ ही समय में बच्चे को जन्म देने वाली है। अभी धूप में लेटी हुई है, कुछ समय ही लगने वाला है ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ब्याने में बेहद ही कम समय में ये बच्चे को जन्म दे देगी। हो सकता है वीडियो चालू में भी 10 मिनट के अंदर हो सकता है ये काफ को जन्म दे दे, नहीं तो कुछ समय में काफ को जन्म दे सकती है। गाय के बारे में पूरी डिटेल ले लेते हैं, कौन सी ब्रिड है जी भाई साहब ये? ये भी साहिवाल नस्ल की है सर। साहिवाल ब्रिड है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ। और ये भी दूसरी बार बच्चा देगी? दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी ये गाय जी। ठीक है जी। और इसने भी फर्स्ट बार 14 लीटर से प्लस दूध दिया, अब की बार 16 लीटर दूध देगी जी। हाँ 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 हाँ। ठीक है जी। और हो सकता है आज भी आ जाए? हाँ, हो सकता है वीडियो के अंदर ही भी आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए। हाँ सही है, बहुत ही कम समय लगने वाला है। हाँ जी। प्रेग्नेंट है गाय, टाइम कंप्लीट हो चुका है ब्याने का, हो सकता है कुछ समय में भी आ जाए। कीमत क्या डिमांड करे जी भाई साहब, प्राइस क्या डिमांड की है? इसकी कीमत है सर 55,000 रुपए। 55,000 जी। 55,000 रुपीज। हाँ जी। अगली गाय के बारे में भी डिटेल ले लेते हैं भाई साहब, ये गाय बताइए जी। ये भी सर दूसरी बार ब्याई है। दूसरी बार ब्याई है अभी, नीचे बछड़ी है। आज 8-9 दिन की ब्याई हुई होगी। हाँ। और अभी इसके नीचे 12-13 किलो दूध तैयार है और 15 किलो के लमसम दूध दे देगी। 15 किलो की कैपेसिटी है? बिल्कुल जी। 15 किलो पर डे का? हाँ जी, पर डे का 15 किलो दूध भी आप उम्मीद कर रहे हो उससे? बिल्कुल। अभी अगर कोई भाई खरीदना चाहते हैं हाँ, अगर वो खुद आके अपने हाथ से दूध निकाल के लेके जाए तो भी लेके जा सकते हैं। अगर वीडियो कॉल पे देखना चाहते हैं वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, जैसे भी उनको संतुष्टि हो वैसे इस गोमाता को अच्छी तरह से देख परख कर ले जा सकते हैं। ले सकते हैं।
ठीक और है। जो इसकी कीमत है हाँ हाँ वो है सिर्फ 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज प्राइस डिमांड कर रहे हो। काफ क्या बताया जी इसके साथ? फीमेल काफ है, फीमेल काफ बछड़ी वाली गाय के लिए 35,000 रुपए आपने प्राइस डिमांड की है जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। यह गौ माता जी सेकंड बार इसने बच्चा दिया है हाँ हाँ हाँ, और इसका फर्स्ट बार में दूध था 15 से 16 किलो, 15-16 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में हाँ हाँ, और अभी इसके नीचे 14 लीटर खीस रेडी आए, तीसरा दिन है हाँ। ठीक है, और जो इस गौ माता की कीमत है वो है 42,000 रुपए, 42,000 हाँ जी, 42,000 रुपीज 42,000 रुपए आपने इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की है। अच्छी कद काठी है व्यूअर्स, देख पा रहे हैं हाइट काफी अच्छी है इस गाय की, और बड़े साइज का हम पे A2 क्वालिटी मिल्क देने वाली गाय है। सुंदर सींग है, सींग ठपवाए हुए नहीं है, सींग भी गाय के काफी खूबसूरत है। और काफ क्या बताया जी भाई साहब इसके साथ आपने? मेल काफ है जी, मेल का बछड़ा है इस गाय के हाँ साथ, खूबसूरत गाय और उसके साथ खूबसूरत ही बछड़ा, जोड़ी बड़ी शानदार है, देख पा रहे हैं आप। कीमत क्या बताई जी भाई साहब आपने इसकी? 42,000 रुपए की, 42,000 42,000 रुपए जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल दे जी। यह गौ माता भी सेकंड बार बच्चा देगी जी। ये कौन सी ब्रीड है जी भाई साहब? रेड सिंधी नस्ल की है जी, रेड सिंधी हाँ जी। व्यूअर्स रेड सिंधी रेयर मिलती है, लाल सिंधी जो गाय है बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। मैं भी काफी समय से वीडियो बना रहा हूँ, ये नस्लें लुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप इन गायों का संवर्धन करें, और संवर्धन करने के लिए गाय को अपने घर में पालें, और उसके पश्चात जब भी उससे प्रेग्नेंट करवाएं तो रेड सिंधी बुल के सिमन का ही उपयोग करें, ताकि भविष्य में ऐसी गायें और भी तैयार हो सके। बेहद शानदार नस्ल है, और ये नस्ल खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है हमारी अनदेखी की वजह से। आपसे मेरी गुजारिश है कि जो भी भाई इस गाय को खरीदें, वह अपने घर ले जाकर जब भी अगली बार प्रेग्नेंट करवाएं तो सिमन रेड सिंधी का ही उपयोग करें इस गाय पर। कद बहुत ज़बरदस्त है, रेड सिंधी गायों का कद इतना रेयर ही देखने को मिलता है, ये हकीकत है। रेड सिंधी नस्ल की गायें मीडियम कद काठी की होती है, लेकिन इसकी हाइट बड़ी ज़बरदस्त है। गाय की कंप्लीट डिटेल दीजिए जी भाई साहब इसने फर्स्ट बार में 14 लीटर दूध दिया था और अब की बार सेकंड बार बच्चा देगी और 16 लीटर ही दूध देगी, 16 लीटर दूध निकाल देगी हाँ जी। और अभी इसके 12 से 15 दिन ड्यू है हाँ। और बिल्कुल शांत स्वभाव की है हाँ। चाहे बच्चा भी नीचे बैठा रहे, लात उठाना या मारना वारना कुछ नहीं हाँ। कई लोग बोलते भाई साहब सींग वाली है मारे ना, तो इसके चाहे जैसे मर्जी बैठे रहो नीचे। सींग तो देसी गायों का गहना है जी, सींग जरूर से होने चाहिए गायों के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है जी भाई साहब, और जो इसकी कीमत है सर 42,000 रुपए है, 42,000 ओनली हाँ जी, 42,000 रुपीस प्राइस डिमांड किया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, रेड सिंधी नस्ल की गाय है, 42,000 रुपए प्राइस है। इसके साथ ही अगली गाय, इस गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं जी। यह भी सर सेकंड बार बच्चा दिया इसने अभी घंटा पहले ही, 1.5 घंटा 2 घंटे पहले हाँ। इसने काफ को जन्म दिया है। अच्छा, 1.5 घंटा हुआ है बेबी को हाँ जी, जेर गिराई नहीं है अभी, जेर नहीं गिराई है, जेर लटक रही है, जेर हो सकता है आधे घंटे घंटे में गिर जाए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, इसको काढ़ा वगैरह दे दिया जी? बिल्कुल दे दिया जी, काढ़ा दे दिया है हाँ जी। ठीक है जी, इसके दूध का रिकॉर्ड बता दीजिए भाई साहब। अब की बार ये भी 15-16 किलो दूध देगी जी, फर्स्ट बार में इसने भी 14 लीटर से प्लस दूध दिया था और जो इसकी कीमत है वो है 42,000 रुपए, 42,000 इसकी प्राइस, 42,000 रुपीज आपने डिमांड की। और इसके थन, आप एक चीज इसमें नोट करने वाली है सर अलग से, इसका थन है जो भैंस जैसा थन है, भैंस जैसा है। ठीक है जी, काफी शानदार मोटे मुठिया थन है। मोटे थनों की गायों के अंदर दूध देने की क्षमता अधिक रहती है, ये मेरा निजी अनुभव है, और कुछ गोपालक ऐसे हैं जिनके साथ मैंने जब भी ये अनुभव शेयर किया है तो उन्होंने भी पाया है कि देसी गायों में यदि थन मोटे साइज के रहते हैं तो उन गायों की दूध देने की क्षमता भी अधिक रहती है, और साथ ही साथ लंबे टाइम तक दूध देती हैं। भारी झालर इस गाय में, गलकंबल बड़ा भारी है, खूबसूरत सींग है, और एवरेज साइज से अधिक का हम्प है, प्योर देसी है जी। यहाँ हमारे राजस्थान में आसपास के इलाकों में ये गायें बहुतायत में मिलती है, और इन गायों पर संवर्धन का काम कम हुआ है। ऐसी गायें रियल में 12 लीटर से अधिक की दूध देने की क्षमता वाली आसानी से मिल जाती है। और इस गाय एक और खासियत है सर जी, जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे ब्लैक शेड लेती जाएगी, ब्लैक शेड ज्यादा आने लग जाएगा हाँ जी, और जैसे गर्मी आएगी वैसे व्हाइट होती जाएगी, वैसे व्हाइट होने लग जाएगी, मौसम के अनुरूप ही ये अपना रंग चेंज करती है, रंग बदलती है, क्योंकि राजस्थान में इसी तरीके का मौसम मिलता है। यहाँ राजस्थान के अंदर सर्दी भी भरपूर रहती है, और साथ ही
गर्मी का तांडव भी बहुत जबरदस्त रहता है। ये गाय ऐसे मौसम में सरवाइव कर जाती है, ये इनका खास गुण है जी। प्राइस एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए जी भाई साहब। इसका प्राइस है सर 42,000 जी। अगली गाय के बारे में डिटेल दीजिए जी। यह भी सर सेकंड बार बच्चा देगी, ये सेकंड लैक्टेशन हाँ में है और प्रेग्नेंट है जी अभी जी। ठीक है जी, कौन सी ब्रीड है जी भाई साहब? राठी और हरियाणा मिक्स है। राठी और हरियाणवी मिक्स है। हाँ जी ठीक है जी। अच्छी कद काठी है और राठी और हरियाणवी मिक्स है। बड़े साइज का हम्प है, बिना सिंगों में गाय, खूबसूरत अडर क्वालिटी है, अच्छी कद काठी है। कंप्लीट डिटेल लेते हैं भाई साहब, इस गाय की कंप्लीट डिटेल दीजिए जी। क्या लैक्टेशन बताया आपने? यह भी सर सेकंड बार बच्चा देगी। हाँ, और बच्चा देने में अभी 10 दिन बाकी है इसके। और जो दूध की इसकी क्षमता है वो अब की बार 13 से 14 किलो की है। 13-14 और जो इसकी कीमत है 42,000 रुपए है जी। 42,000 रुपीज। हाँ जी ठीक है जी। प्राइस 42,000 रुपीज इस गाय के लिए डिमांड किया गया है, अच्छी कदकाठी में गाय। अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं। दो गाय और बची हुई है, दोनों बेहद शानदार है। हाँ जी सर। ये कौन सी ब्रीड है जी भाई साहब? ये भी सर राठी नस्ल की है। ये भी राठी नस्ल है और इसके 25 से 28 दिन बाकी है, लगभग 1 महीना मान ले जी। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, 1 महीने के आसपास ब्याने में लेगी जी। ठीक है जी, दूध का रिकॉर्ड बताइए जी भाई साहब। भाई साहब इसने फर्स्ट बार में दूध दिया था 12 से 13 किलो और अब की बार 14 से प्लस दूध देगी। 14 लीटर से ज्यादा दूध की उम्मीद कर रहे हो जी? बिल्कुल, और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। हाँ, और जो इसकी कीमत है सर वो है फिक्स प्राइस है 32,000 रुपए। फिक्स प्राइस है जी, इसमें बार्गेनिंग नहीं करोगे? नहीं जी बिल्कुल, 32,000 रुपए फाइनल प्राइस है। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं। ये बछड़ी सर पहले ब्यांत की और मुंह से दो दांत है। अच्छा, मुंह से दो दांत है और पहला ब्यांत है। हाँ जी ठीक है, और नीचे मेल काफ है। ये बछड़ा है इस गाय के साथ? हाँ जी मेल काफ है। हाँ जी ठीक है जी। और आज तीसरा ही दिन हुआ इसको बच्चा दिए हुए, क्यों? और जो अभी इसके नीचे खीस है वो 11 लीटर से प्लस रेडी है। 11 लीटर से ज्यादा अभी खीस इस गाय के रेडी है। हाँ जी ठीक है जी। और जो इसकी दूध देने की क्षमता है वो 13 से 14 लीटर की, और जो इसकी कीमत है वो है 42,000 रुपए। 42,000, 42,000 रुपीज। और कोई इसके अंदर व्हाइट स्पॉट नहीं है। अच्छा, ब्लैक है ये कंप्लीट? बिल्कुल जी, थन भी ब्लैक, पूंछ भी ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक, पूरी ब्लैक। कपिला गाय है जी, कंप्लीट ब्लैक है जी, कपिला गाय है, बिना सींगों के अंदर है, ब्लैक कलर की टीट्स है, ब्लैक की पूंछ के बाल हैं, ब्लैक की इस गाय के खुर हैं और ब्लैक ही नथुने हैं। काफी सुंदर कदकाठी है, गाय शानदार है। लिया है जी, बछड़ा है कि बछड़ी है? बछड़ी लेके आई, लॉटरी लेके आई जी। लॉटरी लग गई है जी? हाँ जी बिल्कुल जी, लॉटरी लग गई है। लॉटरी भाई साहब काफी शानदार है। कौन सी नस्ल है जी लॉटरी की? साहिवाल नस्ल की लॉटरी है जी। साहिवाल नस्ल की गाय है और साहिवाल नस्ल की लॉटरी लग गई है जी। बिल्कुल, बहुत शानदार है जी भाई साहब। आपके पास गाय जो है साहिवाल नस्ल की है, अभी सेकंड बार भी आई है, नीचे बछड़ा है। बछड़ा है इस गाय के साथ? हाँ जी, मेल काफ है। हाँ जी ठीक है जी। और अभी जो इसके नीचे खीस है वो 11 लीटर से प्लस रेडी है। 11 लीटर खीस अभी रेडी है। हाँ जी, और दूध 14 लीटर दे देगी। हाँ हाँ, और नीचे बछड़ा है, और जो इसकी कीमत है वो है 42,000 रुपए। इसकी प्राइस 42,000 रुपीज है जी। ठीक है जी, 42,000 रुपए आपने इसके लिए प्राइस डिमांड की। हाँ जी ठीक है भाई साहब, अगली गाय के बारे में डिटेल दे दो जी। ये भी सर फर्स्ट बार ब्याई थी लेकिन ये गोमाता सेल हो चुकी है जी। अच्छा, ये सेल हो चुकी है? हाँ जी, ये बिहार जाएगी जी। बिहार जाएगी? बिहार में किस जगह से जी? बिहार में अभी बता देता हूँ सर मैं आपको कौन सी जगह जाएगी। हाँ हाँ, उनका है जी विनोद विहारी शरण। विनोद विहारी शरण, ये हाँ, गांव है या ये इनका नाम है? इनका नाम है जी। हाँ, और इनका जो पोस्ट है हाँ हाँ वो है मकेर। मकेर सारण बिहार। ओके ठीक है, जो बिहार के व्यूअर्स हैं वो इस जगह को, इस लोकेशन को अच्छे से पहचानते होंगे। यहाँ गाय जा रही है जी, और बिहार के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है यहाँ से। वैसा इस बछड़ी के लिए बताइए जी। ये अगर कोई सारी गाय इकट्ठी खरीदता है सर तो फ्री देंगे। ठीक है, ऑफर में है। आशा करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोज को जरूर से शेयर करें ताकि देसी गोवंश को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम को बल मिले। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रेगुलर डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियो चैनल पर पब्लिश करते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ दुलीचंद जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी शानदार गाय दिखाई जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। राम राम।